إلا <سؤال> الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो कह दीजिए बेशक मैं करीब हूं मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूं जब वो मुझे पुकारे तो इनको चाहिए कि वो मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान रखें, ताकि वो हिदायत पाए So बख्शिश मांगो फिर उसकी तरफ पलट आओ यबूल करने वेहमदही आदा द खलकी वफसी ही वजन तरश ही व मिदाद कली माति पाकिजगी है अल्लाह की और उसकी तारीफ के साथ जितनी उसकी मखलूक की गिनती है और जितनी उसको पसंद है और जितना उसके अर्श का वजन है और जितनी उसके कलिमात की स्याही है अल्लाह मसल अला मुहमदिन व अलामदिन कमाई तला इब्राहीम व अलाब्राहिमीद मजीद अल्लाह मबारक मुहमदन व अला आल महमदिन हमीदुम मजीद मुजीब के सिलसिले में आज हम दुनिया और आखिरत की भलाई की दुआओं के बारे में पढ़ेंगे दुआ एक इबादत है दुआ मोमिन का हथियार है दुआ ऐसा लश्कर है जो कभी मगलूब नहीं होता दुआ ऐसी चीज है जिसके जरिए इंसान अपनी मतलूबा नूबा चीजों को, को हासिल कर लेता है और उन चीजों से बच सकता है जो उसे परेशान करती हैं खौफ दिलाती हैं फिक्र में डालती हैं दुआ मांगने के अतबार से लोगों की दो किस्में हैं एक वो किस्म है जिनके अजायम और इरादे कम होते हैं कमजोर होते हैं और वो सिर्फ दुनिया का हिस्सा मांगते हैं दुनियावी नसीब वाले ही होते हैं उनका आखरत में कोई हिस्सा नहीं होता और दूसरी किस्म के लोग वो हैं जो अल्लाह सुबहान से दुनिया और आखिरत दोनों मांगते हैं ये वो लोग हैं जिनके अजायम बुलंद हैं और जो बड़ी चीज मांगते हैं सूरत अलबकर में अल्लाह सुबहान तरशाद फरमाते हैं ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هم ہمارے رب ہمیں الدنيا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی فرما اور ہمیں آگ عذاب سے بچا. अरब के लोग हज से फरागत के बाद मिना में मेला लगाते थे और अपने आबाओ अजदाद के कारनामों का जिक्र करते थे और अपनी बड़ाई की डींगे मारते उस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसी बातों को छोड़ो जिनमें तुम अपना वक्त जाया करते थे अब इस वक्त को अल्लाह की याद में अल्लाह के जिक्र में बसर करो इसीलिए फरमाया फा कदई तुम फिर जब तुम अपने हज के मनासिक पूरे कर चुको, तो को याद करो जिस तरह अपने बाप दादा को याद किया करते थे भी याद करना सिमैकूल आतिना फिर दुनिया फिर लोगों में से बाज ऐसे हैं जो कहते हैं ए हमारे रब हमें दुनिया में भलाई दे दे और उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं क्योंकि उनकी अक्सरियत आखिरत को जानती ही नहीं व मिन हम मई अकूल उतना फिर दुनिया हसन तसना वनार और बाज ऐसे हैं जो कहते हैं ऐ हमारे रब हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें आग के अजाब से बचा उसीब्मा का सबू यही वो लोग हैं जिनके लिए उसमें से हिस्सा है जो उन्होंने कमाया और अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है तो कसरत जिक्र की नसीहत के बाद अल्लाह सुबहानु ताला ने सही दुआ करने की तरफ तवज्जो दिलाई दोनों तरह के लोगों की दुआओं का जिक्र कर दिया ताकि इंसान समझ जाए कि बेहतरीन दुआ किसकी है जामे दुआ किसकी है फायदे वाली दुआ किसकी है और वैसे भी जिक्र के बाद दुआ क्योंकि कबूल भी होती है इस मुनासिबत से भी जिक्र के कसरत के बाद दुआ करने का जिक्र कहा गया है यानी सिर्फ इतना ही काफी नहीं कि इंसान अल्लाह ताला की तारीफ करे और हम दो सना करे बल्कि अपनी जरूरिया की चीजें भी मांगे मुंह खोल कर बोल कर अल्लाह ताला के सामने अपनी हाजत रखे अपनी फरियाद रखे अपनी जरूरत रखे इसीलिए जिक्र और फिर दुआ और फिर उन लोगों की यहां मजम्मत की गई कि जिनकी दुआओं का मरकज और महवर सिर्फ और सिर्फ दुनिया होती है म अनिल आखरती हमिलून और आखिरत से वो गाफिल ही रहते हैं आखरत के बारे में कुछ नहीं मांगते यानी उनकी दुआओं का जो बड़ा हिस्सा है या सिर्फ उनकी दुआएं दुनिया के गर्द घूमती हैं इस मैार पर हम सब को भी परखना चाहिए कि हम सबसे ज्यादा शिद्दत के साथ या पहली दुआ क्या मांगते हैं अगर हमें पता चले कि यह कबूलियत का वक्त है तो हम सबसे पहले क्या मांगेंगे हम में से हर एक को अपनी अपनी दुआओं का जायजा लेना चाहिए कि कहीं हम तो उन लोगों में शामिल नहीं कि जो सिर्फ दुनिया मांगते हैं और क्या वाकई हमें अपनी आखरत की और आखिरत में से भी भलाई के साथ आग के अजाब से बचने की दुआ हमारे दिलो दिमाग पर है तो यहां उन लोगों की तारीफ की गई है कि जो ऐसी दुआ करते हैं कि जिसमें वो अपनी दुनिया की खैर भी मांगते हैं अपनी आखिरत की खैर भी मांगते हैं और सबसे बड़े शर यानी जहन्नम की आग और जहन्नम के अजाब से बचने की दुआ करते हैं तो इसमें दुआ मांगने का एक अदब और सलीका भी सिखा दिया गया आप देखिए कि यहां पर सिर्फ तीन आयते हैं बल्कि दो आयते हैं तीन आयते हैं और तीन आयतों के अंदर बहुत बड़ा मजबून बयान कर दिया गया तो फरमाया फा कदई तुम मनासिकुम जब तुम अपने मनासिक हज पूरे कर चुको हज पर भी इंसान क्यों जाता है अपना फ़र्ज पूरा करने के लिए इबादत करने के लिए और उन्हीं इबादतों का एक हिस्सा दुआ भी है यानी हम सब के दिल में होता है कि हम हज या उमरे पर जाए तो पहला ख्याल क्या आता है कि वहां जाकर दुआएं करेंगे क्योंकि दुआ बजाते खुद भी इबादत है तो जब तुम अपने हज के मनासिक पूरे कर चुको और सारे रिचुअल्स तुम्हारे पूरे हो जाएं और तुम आराम से बैठो तो फिर ये कि तुम अल्लाह तआला का जिक्र करो और हज के तमाम मनासिक के दौरान भी जिक्र करना चाहिए और जब मुनासिक पूरे हो जाए तो उसके बाद भी रुक कर दुआ करनी चाहिए जैसे आप देखें तवाफ के बाद क्या करते हैं दो रकत पढ़ते हैं और फिर आप दुआएं करते हैं इसी तरह जब आपकी सही हो रही होती है तो उसमें भी आप जहां जहां रुकते हैं सफा मरवा पे फिर दुआएं करते हैं अल्लाह का जिक्र करते हैं और दौरान सही भी और इसी तरह बाकी मिना में अरफात में हर जगह जो सबसे ज्यादा जो चीज की जाती है जो इबादत की जाती है वो दुआ की इबादत है अरफा में आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर और असर दोनों नमाजों को इकट्ठा कर दिया यानी कसर पड़ी और जमा पड़ी यानी गोया जो फरीजा है उससे मुख्तर तरीन वक्त में फारि हो गए फिर मुख्तसर सा खुतबा दिया और बाकी जवाल शम्स से लेकर शम्स तक या सॉरी याब शम्स तक दुआ ही दुआ की यानी जो मेजोरिटी टाइम था वक्त का एक बहुत बड़ा हिस्सा दुआएं ही दुआएं इससे भी इस अंदाजा कर सकते हैं आप कि दुआ की क्या अहमियत है हमारी जिंदगी में और हमें कितनी दुआएं करनी चाहिए और फिर ये कि नुसुक में ना सिर्फ ये एक आते हैं बल्कि जानवर ज़बा करना और कुर्बानी और ये तमाम चीजें भी आती हैं तो मुराद ये है कि जब कुर्बानी हो जाती है तो फिर एक तरह से हज के सब तमाम अदा हो जाते हैं और उस वक्त इंसान अल्लाह का जिक्र करे यानी हज से फारिग होने के बाद मुराद है इसी तरह जब हम नमाज से फारि हो जाते हैं तो आखिर में हमारा हमारी सबसे अहम चीज़ दुआ ही होती है और इस जिक्र से जो यहाँ पर कहा गया है उससे मुराद एक तो मिना के दिनों की तकबीरात है कि सबसे ज्यादा जिक्र उनका होना चाहिए अल्लाह की बड़ाई बयान करनी चाहिए नमाज के भी बाद सलाम फेर कर हम सबसे पहले क्या कहते हैं अल्लाह अकबर इसी तरह हज के मनासिक अदा करने के बाद भी अल्लाह अकबर यानी अगर इस इबादत की हमें तोफ़ीक हुई है तो इसमें किसी गुरूर और किसी बड़ाई की बात नहीं है बल्कि सारी तोफ़ीक अल्लाह ही की दी हुई है और अल्लाह ही का जिक्र है अल्लाह ही की याद है और इसी तरह हज के तमाम मकामात में मसनून दुआएं पढ़ना ज़रूरी है तो उसमें इल्म के साथ अगर इंसान हज करता है तो फिर इन तमाम सुन्नतों को पूरा भी करता है और पूरा पूरा फ़ायदा उठाता है इसलिए हज पर जाते हुए सब कुछ सीख कर जाना चाहिए दुआएं भी याद करके जाना चाहिए और अगर हाफजा कमज़ोर तो दुआओं की किताबें साथ लेके जानी चाहिए ताकि कोई चीज़ मांगने से रह ना जाए क्योंकि नबी वसल्लम की दुआएं जामे होती हैं उनमें सब कुछ हमें मिल जाता है लिहाजा अगर वो सब हम मांग ले तो गोया हमने दुनिया और आखिरत की खैर मांग ली अरबों का तरीका यह था कि हज से फारिग होकर अपने आबादाद के कारनामों का जिक्र करते हर हर कबीला अपने अपने बड़े जो गुजरे हुए शख्सियतें थी जो सरदार थे उनका जिक्र करते कि उन्होंने ये कारनामे किए और वो किए हसब नसब पे फखर होता था लेकिन अल्लाह सुबहान बेहतर चीज अदा की और वो क्या कि जो असल बड़ाई का मुस्तक है अल्लाह तुम उसको याद करो क्योंकि अमूमन ये होता है कि जब एक कबीला अपने बड़े का जिक्र कर रहा दूसरा अपना तीसरा अपना तो लोगों के दरम्यान इख्तलाफ भी होगा जालसी भी होगी और आ, कोई सब लोग नहीं खुश हो सकते लेकिन अल्लाह का जिक्र ऐसी चीज है कि जिसपे सब मुतफिक भी होंगे और वो सब के लिए खुशी की बात और आपस में एक यूनिटी भी उससे कायम होती है और फिर यहाँ पर यह भी कहा गया वो विकरा यानी शिद्दत से माँ बाप बाप दादा का जिक्र करते थे अल्लाह का जिक्र उससे ज्यादा करना है यानी बहुत ज्यादा से मुराद कसरत भी शिद्दत से मुराद कसरत भी और शिद्दत से मुराद तवज्जो भी यानी उससे भी ज्यादा बेहतर अंदाज में तुम्हें ये जिक्र करना है फमिनना सिमयूल से कोई ऐसा है जो कहता है ए हमारे भलाइया दे दे, दे दे उसके लिए आखरत का कुछ हिस्सा नहीं कुछ से मुराद यानी कुछ लोग हैं जो ये करते हैं और उस दौर में मुशरकी मक्का ऐसा करते थे क्योंकि उनके पास कोई दीन नहीं था एक्टिव शक्ल में कहते तो थे हम दीन इब्राहिमी पर हैं लेकिन वो तौर तरीके भूल चुके थे तो वो आखरत के तस्वुर से गाफिल थे आखरत को नहीं मानते थे या आखरत के हिसाब किताब या आखरत की जजा सजा पर उनका यकीन नहीं था वो कहते थे वो माहिया दुनिया नमो तो व कि हमारी जिंदगी बस ये दुनिया की जिंदगी है हम इसी में जीते मरते हैं और जमाने की जो रफ्तार होती है उसके साथ यानी वक्त गुजर जाता है जिसका वो मर जाता है बात खत्म लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर खास तौर पर पक्की सूरतों के अंदर सबसे ज्यादा जिस अकीदे को इंस्टिल किया वो तोहीद और आखरत ईमान का था और इस तरह उनको सिर्फ दुनिया नहीं बल्कि हमारी वो जिंदगी जिसमें हमें हमेशा रहना है उसकी भलाइया मांगने का सबक सिखा दिया गया इबन अब्बास कहते हैं कि कुछ अरब मवाफ पे यानी अरफात या हज के मशायर में आते और कहते अल्लाह इस साल को बारिश खुशहाली और अच्छी औलाद के हुसूल का साल बना दे आखिरत की बेहतरी से मुतल वो कोई दुआ नहीं करते थे तो अल्लाह ताला ने उनके बारे में ये आयत नाजिल फरमाई इमाम बगवी कहते हैं कि अल्लाह ने इससे मुशरिकीन मुराद लिए हैं वो हज के मौके पर अल्लाह तला से दुनिया के सिवा कुछ नहीं मांगते थे वो कहते थे बकरियां, ऊंट, गाय और गुलाम अता कर उनकी दुनिया यही थी एक आदमी खड़ा होता और कहता मेरे मेरे रब, मेरे बाप का एक बहुत बड़ा खेमा था और उसके पास बहुत ज्यादा माल था तो मुझे भी वैसा ही दे जैसे उसको दिया है। ये तरीका था उनकी दुआ करने का कतादा कहते हैं ये ऐसा बंदा है जिसकी नीयत सिर्फ दुनिया की होती है ये दुनिया के लिए खर्च करता है उसी के लिए अमल करता है और उसी के लिए थकावट और मशक्कत उठाता है आखरत उसके जहन में नहीं होती आखरत की जजा और आखरत का फायदा ममाल फिल आखिरतम ख़लाक, ऐसे लोगों का जिनका मतमा नजर जिनका गोल और जिनकी तवज्जो और दिलचस्पियों का सारा मरकज सिर्फ दुनिया है ऐसे लोगों के लिए फिर आखिरत में कुछ नहीं जो आखरत को भूल कर जिंदगी गुजार रहे हैं यानी गफलत में पड़े हुए हैं फिर उनके लिए आखरत में कुछ नहीं होगा सिर्फ दुनिया मांगते हैं दुनिया चाहते हैं, दुनिया के लिए मेहनत करते हैं तो उनको दुनिया ही मिलेगी और अगर वो दीन के काम भी दुनिया कमाने के लिए कर रहे हैं तो बस सिर्फ दुनिया ही मिलेगी आखरत नहीं मिलेगी कानून के पास बहुत बड़ी दौलत थी उसके खजानों का हाल ये था कि खजानों की कुंजियां खजाने नहीं खजाने तो पता नहीं फिर कितने होंगे उनकी कुंजियां ताकतवर आदमियों की एक पूरी जमात मुश्किल से उठा सकती थी तो इस दौलत की वजह से कानून के अंदर फखर और घुमंड पैदा हो गया था तकबर पैदा हो गया था तो उस वक्त कुछ साले बंदों ने उसको यही नसीहत की थी कि दौलत पर फख्र ना करो बल्कि अल्लाह ने तुझे जो दिया है उससे आखरत का तालिब बनो यानी उससे अपनी दुनिया नहीं आखिरत कमाओ और दुनिया का भी हिस्सा ना भूलो यानी दुनिया में भी तुम्हें जो मिलना है मिल जाएगा दुनिया से दुनिया का फायदा भी उठाओ लेकिन इस दुनिया से अपनी आखरत कमाना ना भूलो अच्छा। 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 और अक्लमंद इंसान वही होता है जो दुनिया में रहते हुए दुनिया के हर दुनिया की हर चीज से अपनी आखिरत कमाने की फिक्र करता है यानी मोमिन जो होता है वो सिर्फ अकेले दुनिया की फिक्र नहीं करता मसला अगर किसी की औलाद बिगड़ जाती है तो वो सिर्फ ये दुआ नहीं करता कि अल्लाह इसको दुनिया में फुला कामयाबी अदा कर दे बल्कि वो उसकी दुनिया से ज्यादा उसकी आखिरत की फिक्र करता है। और जिसके सामने आखिरत नहीं होती वो सिर्फ दुनिया की बात करता है कि अगर ये बच्चे ने पढ़ा नहीं या बच्चा सही नहीं हुआ तो फिर इसकी दुनिया खराब हो जाएगी इसको कोई पूछेगा नहीं इसके कोई कमाने का जरिया नहीं होगा इस, इस यानी इसके लिए दुनिया तंग हो जाएगी और उसको बिल्कुल आखरत उनके से निकली भी होती है कि दुनिया में बिगाड़ का मकसद सिर्फ दुनिया का बिगड़ना नहीं है बल्कि उससे मुराद आखरत का बिगाड़ भी है यानी दोनों चीजें इंसान की बिगड़ती हैं तो मुराद इससे यह है कि इंसान दुनिया की दुआ भी मांगे और आखरत की भी मांगे यानी दुनिया में इंसान का बहुत बड़ा हिस्सा क्या है जिसमें जि वो हिस्सा है कि जिससे वो अबदी जिंदगी को हासिल कर लेता है वह मिनईल फिर दुनिया हसना वह फिर आखिरत हसना इन लोगों में से बांद इरादों वाले हैं जो बड़ी बात सोचते हैं जिनकी सोच बड़ी है जिनका हुयन बड़ा है वो दुनिया और आखिरत दोनों मांगते हैं वो कहते हैं हमें दुनिया में भी भलाई अताकर और आखरत में भी भलाई अता कर वो भलाई जो दुनिया में वो तलब करते हैं उसमें हर वो खैर शामिल है जिसका मिलना बंदे को पसंद होता है यानी जो भी आपकी चाहत है दुनिया के तबार से जिसमें खुशगवार वसी रिसके हलाल है नेक बीवी या नेक शोहर है नेक औलाद जिसे देख कर आंखें ठंडी होती हों आराम और राहत की जिंदगी नफामंद इल्म आमाल साल की तोफीक यानी जैसे इंसान को अच्छे अच्छे काम करने का मौका मिल जाए सदका करने का सिलाई रहमी करने का हजरत अली रज़ी ने का कहा कहते हैं कि तुम अपनी सेहत और अपनी कुत और अपनी जवानी और अपनी दौलत के मामले में ये ना भूलो कि तुम इसके जरिए से आखरत चाहो यानी ये सब चीज़ें क्यों मांगो कि हमें ये दौलत माल सेहत क्यों मिले ताकि हम इससे अपनी आखरत कमाएं और जहाँ तक आखरत का ताल्लुक है तो उससे मुराद जन्नत है लिल लदीन लिल्दीना अहसनसन वजिया जिन लोगों ने नेकी की उनके लिए नहायत अच्छा बदला और कुछ ज्यादा भी है कतादा कहते हैं इससे मुराद दुनिया में आफियत मिलना और आखरत में आफियत मिलना यानी वो दुनिया और आखरत की भलाई को दो लफ्जों में यानी दुनिया और आखरत की भलाई को एक लफ्ज से बयान करते हैं और वो क्या है आफियत यानी जान में माल में औलाद में सेहत में हर चीज में आफियत के इंसान नुकसान और शर से महफूज हो जाए और इसमें कोई हरज की बात नहीं कि इंसान अपनी आखिरत के साथ साथ दुनिया में जो चीजें वो चाहता है वो उसको नसीब हो और उसमें मसलन ये के वो अपनी वेलबींग के बारे में अपनी सेहत के बारे में अपनी ताकत के बारे में दुआ करता है तो कोई हर्ज नहीं लेकिन वो उसके बैक ऑफ माइंड जरूर ये बात होनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो भी मुझे दे मैं इससे फिर अपनी आखरत के लिए अल्लाह की रजा के लिए ज्यादा काम कर सकूं और फिर आप देखिए कि आखिरत में इंसान का यानी जब से इंसान की मौत शुरू होती है उससे लेकर रज़ा अल्लाह ताला के दीदार तक जितने भी मरहले हैं अल्लाह ताला उन सबको आसान कर दे जब हम आखरत की भलाई मांगे तो ये सारी चीजें जहन में हो कि हमारी मौत आसान हो हमारा कब्र का हिसाब आसान हो हमारी कब्र की जिंदगी नईम और राहत वाली हो हम कब्र से उठे जब हशर में तो हमारा हशर का उठना वो खूबसूरत हो उसमें हमारे अंदर इत्मीनान हो किसी किस्म की कोई घबराहट ना हो अल्लाह ताला की रजा हासिल हो और फिर रब रहीम का हासिल हो ये तमाम चीजें उसमें आ जाती हैं नार और हमें आग के अजाब से बचा यानी यानी आग यानि उन आमाल से हमारी हिफाजत फरमा इस दुनिया में जो हमें आग की तरफ ले जाने वाले हों और हमें बख्शिश अता फरमा ताकि हम आग से यानी हमारे गुनाह जो कोताहियाँ हो जाए उनको माफ कर दे ताकि हमारी आखिरत में आग से छुटकारा हो सके कल नसीबुम ऐसे लोगों को हिस्सा मिलता है किससे मुताबिक जो उन्होंने कमाई की यानी दुनिया के लिए जो कोशिश मेहनत करोगे दुनिया में मिलेगा और आखिरत के लिए जितनी कोशिश मेहनत करोगे वहां मिलेगा यानी ये साथ बता दिया गया दुआ अपनी जगह है लेकिन साथ कोशिश चाहिए क्योंकि आमतौर पर हम एक तरफ हो जाते हैं या सिर्फ कोशिश पे फोकस कर देते हैं या सिर्फ दुआ पे फोकस करते हैं और तो उस पर अब आप देखिए कितनी जामे हैं तीन आयत जिक्र से आगाज हुआ दुनिया और आखरत की दुआ मांगने को कहा गया भलाई की दुआ मांगने को कहा गया आग के अजाब से बचने को कहा गया और उसके साथ साथ कोशिश की तरफ तवज्जो दिलाई गई और वल्लाहु सर हिसाब अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है यानी अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं कि वो सारे बंदों के एक एक अमल का हिसाब कर दे जर्रे जर्रे का वो वैया यामल मिसकाल जर्र ही यरा, यानी जहा कोशिश की बात हुई तो फिर जर्रे के बराबर भी अगर कोई नेकी करता है तो वो उसको देख लेगा अपने अमाल नामे में पालेगा छोटी से छोटी नेकी भी और अगर गड़बड़ की कोई गलत काम किया छोटी से छोटी बुराई भी वहां नजर आ जाएगी तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इंसान इस दुआ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले ये बहुत ही जामे और कामिल दुआ है जिसमें दुनिया और आखिरत की सारी चीजें आ जाती हैं और यह दुआ इस काबिल है कि इसे अपनी बाकी दुआओं पर तरजीह दी जाए कल जैसे किसी ने सवाल किया था कि बहुत सारी दुआएं इकट्ठी हो गई हैं और बहुत सारी चीजें हो गई हैं तो वो एक ओवरवेलमिंग सिचुएशन हो जाती है तो फिर क्या करें ठीक है उन चीजों को भी अपने अपने वक्त पर रखें प्लान करें लेकिन अगर कम से कम टाइम है तो फिर क्या मांग लें जामे दुआ मांग लें जिसमें दुनिया और आखिर सब कुछ कवर हो गया सब कुछ बीच में आ गया नबी सल अलैहि वसल्लम अक्सर यही दुआ मांगा करते थे और इसकी तरगीब भी देते थे यानी आपकी कुछ दुआएं तो वक्त के मौाक़ के साथ साथ होती थी कुछ दुआएं आप नमाजों के बाद मांगते थे लेकिन कुछ दुआएं आप बहुत कसरत से मांगते थे यानी उनका हिस्सा ज्यादा होता था कतादो ने अनस रजी अल्लाह अनहु से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी दुआ कसरत से मांगा करते थे अनस रजी अल्लाह अनहु ने कहा हजरत अनस की ये बातें ज्यादा ऑथेंटिक इसलिए भी हैं कि वो आपके घर में आते जाते थे और आपके तमाम उमूर और मामलात को मुलाहजा करते रहते थे तो हजरत अनस ने कहा आप जो दुआ कसरत से मांगा करते थे वो ये थी आतना फिर दुनिया हसना वफिल आखिरती हसना वकीनाजी जब कोई एक दुआ मांगना चाहते तो यही दुआ मांगते थे यानी जब इतना ही वक्त हो कि आप एक दुआ सिर्फ मांग सकें जैसे आजान और एक के बीच में दुआ कबूल होती है अब इमाम सफों में खड़े हो जाते हैं जब नमाजी उस वक्त दुआ कबूल होती है तो फिर ये कि नमाज शुरू हो जाती है आप ये थोड़ी नमाज छोड़ के दुआएं करना शुरू कर तो एक छोटे से वक्त में आप फौरन रब बना तिर दुनिया हसना था वह फिर हसाना वकीना आजा बनना और खास तौर पर उस वक्त जब इंसान को कुछ समझ नहीं आ रही होती मांगू क्या मेरी भलाई किस में है तो फिर इंसान भलाई मांग ले दुनिया की भी और आखरत की भी और ये दुनिया और आखरत की भलाई को जमा करने वाले कलिमात हैं। अनस बिन मालिक कहते हैं उनसे कहा गया तुम्हारे भाई बसरा से आए हैं यानी कुछ लोग दोस्त वगैरह मिलने के लिए आए हैं वो उस वक्त बसरा के कोने में रहते थे यानी जिस तरह आउटस्कर्ट्स में रहते हैं तो उस डाउनटाउन से सिटी सेंटर से वो उनको मिलने के लिए आए इसलिए आए हैं ताकि आप उनके लिए अल्लाह से दुआ करें क्योंकि वो सहाबी थे तवील थे उस वक्त तक अक्सर सहाबा फौत हो चुके थे और ज़ाहिर है कि सहाबी भी बहुत क़दर इल्म वाले और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवील सोहबत पाने वाले करीब तरीन सहाबा में से थे तो उनके पास आए कि वो हमारे लिए दुआ करें उन्होंने कहा अल्लाहफरना व आतना फिर दुनिया हसना व फिर आखिरत इससे ज्यादा दुआ की ख्वाहिश की कुछ और दुआ करी उन्होंने फिर यही कह दिया कहा कि अगर तुम्हें ये मिल गया यह दुआ कबूल हो गई तो तुम्हें दुनिया और आखिरत की खैर मिल गई सारी भलाई मिल गई कुछ भी नहीं छूटेगा फिर बात ही खत्म कितना खूबसूरत है हमारा दीन के जो हमें मुख्तलि मौाक़े की मुनासबत से बेहतरीन चीजें सिखा देता है जिसमें इतना बड़ा बड़ा फायदा है ये खजानों की कुंजिया हैं खजाने हैं ये जिनकी हम कदर नहीं करते हम में से हर एक को पता है ये दुआ है लेकिन कौन कितनी ताक़ से मांगता है भूल जाते हम हमें इल्म होता है हमें बातें पता होती हैं लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे अमल से निकल जाती हैं एक दफा सुनते हैं शुरू करते हैं फिर कुछ दिनों में कोई और चीज ऊपर आ जाती है फिर वो निकल जाती है ऐसी चीजों को पकड़ के रखना चाहिए कहीं ऐसे नोट्स लगा देने चाहिए या कहीं अपने याददाश्तों में लिख लेना चाहिए कि ये मांगने से नहीं भूलना क्योंकि ये मिल गया तो सभी कुछ मिल गया और आप देखिए कि वक्त के साथ साथ जिंदगी कितनी मसरूफियत का शिकार हो गई है और कितने ज्यादा काम हो यानी जितनी सहूलतें ज्यादा हो गई हैं खुदनी मसरूफिया ज्यादा बढ़ गई आज से सौ साल पहले का शख्स शायद इतना टेंस ना होता हो जितना हम हर वक्त टेंस रहते क्योंकि एक काम खत्म नहीं होता और एक और काम करने का ध्यान लगा रहता है। तो भाग हम दौड़ लगी रहती है और अगर हम किसी कुर्सी पर भी बैठे हुए ना तो दिमाग हमारा दौड़ रहा होता है ना ये भी करना ये भी करना ये भी करना है वो भी होना है तो ऐसे में फिर वाकई जिक्र के लिए भी बाजु का टाइम कम रह जाता है और दुआओं के लिए भी और खास तौर पर बच्चों वाली माए जो छोटे बच्चों वाली वो तो हार्डली नमाज के अंदर या नमाज के बाहर कोई दुआएं मांग सकती है क्योंकि टांगों भी है, के चिमटे में होते हैं या आगे आके लेट जाते हैं या बड़े भी हो जाए तो जाके किचन में खड़े हो जाते हैं और आवाजें लगाने लगते हैं कि जल्दी आए या या फिर आपको ये होता है कि अगर मैंने वक्त पे ना उठी तो इन्होंने कुछ काम खराब कर देना आजकल खास तौर पे इफ्तार के फौरन बाद मगरिब होती है आपको जूर खाते पानी पीते नमाज शुरू कर शुरू कर देते हैं अब आपका दिल होता है थोड़ा सा सुकून से नमाज पढ़ लेकिन सारे तो ऐसे सुकून से नहीं पढ़ते हैं। उनको तो भूख लगी होती है और आपको सर्व करना होता है तो आपको सबकी टेक केयर करनी होती फिर उस दिल चाहता कि क्या मांग लें जल्दी कुछ तो मांगे क्योंकि सारे दिन के रोजे के बाद एक उस नमाज की कैफियत भी बड़ी अच्छी होती है तो उस वक्त ये दुआ मांग के उठ जाए लंबी ना मांगे कि घर वाले नाराज होने लगे तो बहुत से अवात ऐसे होते हैं कि जिसमें हमारे पास कोई नेकी का, का काम करने का बहुत मुख्तसर सा वक्फा होता है ऐसे औकात को इस्तेमाल कर लिया करें ऐसी जाम दुआओं के साथ फिर इसी तरह आफियत की दुआ मांगना ये भी दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ मांगने में से है हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्हल्म ने मुसलमानों में से एक ऐसे शख्स की बीमार शख्स की ई की जो लागर होकर चूजे की तरह हो गया था बिल्कुल सुकड़ सा गया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया क्या तुम अल्लाह से किसी चीज की दुआ करते थे या उससे कुछ मांगा करते थे उसने कहा जी हाँ मैं कहता था ए अल्लाह तू मुझे आखिरत में जो सजा देने वाला है वो दुनिया में ही दे दे उस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुभान अल्लाह तुम में इतनी ताकत नहीं तुम इसकी इस्त नहीं रखते तुमने ये क्यों ना कहा अल्लाह आते ना फिर दुनिया हसन तम आखिरत हसाना वकीना याद रखिये ये दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्ला के साथ आती है और कुरान में रबना के साथ इन दोनों में से जो भी आप क्योंकि ये ना हो कि फिर आप पूछे ये पढ़े या वो पढ़े जो भी आपका दिल चाहे पढ़े फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के लिए दुआ की जो इतना कमजोर हो गया था तो अल्लाह ताला ने उसको शिफा अता कर दी ये दुआ इस लिहाज से भी बड़ी अहम है कि रुकने यमानी और हजर असवद के दरमियान मांगी जाती छोटा थोड़ा सा फासला होता है ना रश हो तो अल्हमदल्ला बड़ा भी हो जाता है लेकिन वैसे वो थोड़ा से थोड़ी सी जगह होती तो उसमें इंसान अगर पूरी तवजो के साथ ये दुआ मांग लेता है तो गोया वो सब कुछ मांग लेता है अब देखिये हमारे दीन ने हम सब के लिए हम जैसे कमजोर लोगों के लिए कितनी रियायत और सहूलत रखी है जिनके हाफजे कमजोर हों जिन्हें बहुत सारी दुआएं याद ना हों जो बहुत कुछ ना मांग सकते हो वो कम से कम इतनी दुआ याद करके चले जाए ये तो हर हाजी कर सकता है यानी अनपढ़ से अनपढ़ कमज़ोर जो, कम से कमजोर हाफजे वाला एक ये दुआ सीख के चला जाए और ये भी मांगता रहे तो गोया सभी कुछ उसने मांग लिया इब्ने रजब कहते हैं कि सलफ सालिहन अयाम तशरीक में इस दुआ को कसरत से मांगना पसंद करते थे के हज के मनासे खत्म हो जाते थे और यानी मीना के दिनों के जो बा, बाकी दिन होते हैं और अता कहते हैं कि जो शख्स भी ये जो शख्स भी हज करके अपने वतन वापस जाने लगे और जब वो अपने अहलो अयाल की तरफ मुतवजे हो तो यही दुआ पढ़े इमाम नववी कहते हैं ये दुआ मुतलक है इसकी कोई हद नहीं तो ये दुआ हर वक्त और हर लम्हे की जा सकती है उठते बैठते चलते फिरते यही मांग सकते हैं नमाज में नमाज के अलावा दीगर अवकात में दुआ को शुरू करते वक्त दुआ के अंदर मरीज की शिफा के लिए भी और बाकी मौाक़ पर भी कबूलियत के अवत में यानी हर हर मौके पर आप ये दुआ पढ़ लें यानी ये दुआ तो हम में से हर एक को लाजमन जबानी याद होनी चाहिए ताकि जब दिल चाहे इसको पढ़ लें तो बहरहाल जो भी इसको पढ़ेगा और जितनी आप कोशिश करेंगे मेहनत करेंगे और इसके साथ साथ नेक नेकाल करेंगे अल्लाह ताला दुआएं सुनेगा और फिर आप देखिए कि इससे ये भी पता चलता है कि अल्लाह ताला हर एक की सुनता है मिनन से मैं यकूल सिर्फ दुनिया मांगता और कोई सिर्फ दुनिया और आखिर दोनों मांगता मिनन्ना से लोगों में से ये नहीं कहा मोमिनों में से जो भी मांगेगा उसको मिलेगा लेकिन आखरत की बलाइया तो जो आखरत पर ईमान रखता है उसी को ही नसीब होगी बहरहाल अल्लाह सुबहान जल्द हिसाब लेने वाला है और यानी कि क़यामत के दिन बेक वक्त वो सबसे हिसाब ले सकता है अल्लाह की कुदरत बहुत बड़ी है और दुनिया में भी उसको बंदों का हिसाब लेते हुए देर नहीं लगती इसलिए हर मौके पर हर तकलीफ के मौके पर उसी की तरफ पलटना चाहिए इस दुआ से एक और बात भी पता चलती है कि दुनिया से ज्यादा आखिरत का हिस्सा है इस दुआ में दुआ का एक हिस्सा रबना आते ना फिर दुनिया हसना है। और दूसरा हिस्सा व फिल आखिरत हसना वक़ीना ना बनना और आखिरत के लिए दो चीजें मांगी गई हैं फिर आप देखिए रब बना कहकर दुआ शुरू की गई है यानी अल्लाह ताला के अल्लाह ताला के नाम रब के साथ उसकी सिफत रुबूबियत के साथ और फिर इस दुआ से यह भी पता चलता है कि मांगने वाला जो है वो बुलंद अजायम रखता है बड़ी सोच का मालिक है यह भी याद रखिए कि आखरत के साथ साथ दुनिया मांगने में कोई बुराई नहीं है कि हमें खुद से खा दिया गया है यानी बाज लोग एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो जब दीन की बात करते हैं तो दुनिया को बिल्कुल भूल जाते हैं और बाज लोग आइडियलिस्ट होते हैं दुनिया भी आइडियल हो जाए हर आखरत भी तो बात यह है कि दुनिया कभी भी आइडियल नहीं हो सकती दुनिया जो है दुनिया तो दफ सी दुनिया है घटिया है कमतर है वो आखरत के मुकाबले में तो पानी का कतरा भी नहीं है तो इसलिए यहां इंसान को जो कुछ मिला है वो दरअसल आखरत कमाने के लिए मिला है यानी आप दुनिया में अच्छी सेहत माल रिस्क हर चीज क्यों मांगे ताकि ये चीजें ज्यादा होंगी तो इससे आपकी आखिरत में ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो सकेगी वरना दुनिया में जितना कुछ इंसान को मिलता है वो सब कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकता सब कुछ नहीं आप इस्तेमाल कर सकते यानी अगर आपने मांग भी लिया और दुनिया इकट्ठी भी हो गई आपके पास आ, आपको दुनिया में दस घर मिल गए रहने के लिए कहाँ कहाँ रहेंगे एक ही घर में रहेंगे ना वरना जिंदगी परागंदा हो जाएगी परेशान हाल हो जाएंगे कुछ लोग होते हैं ना वो कभी यहाँ रहते हैं कभी वहां रहते हैं कभी कहीं जाते हैं कभी कहीं जाते कहीं चैन है नहीं उनको क्योंकि जिंदगी में मकसद कोई नहीं है एक जगह घबराए तो दूसरी जगह चल पड़े तो दुनिया का हाल तो ये है कि ना हो तब भी मुश्किल ज्यादा हो जाए तब भी मुश्किल एक टांग इधर एक उधर तो इंसान को दुनिया मांगते हुए जो भी वो दुनिया का हिस्सा मांगेगा बुरा नहीं सोचना चाहिए नहीं बुरा नहीं फील करना चाहिए कि हाय मैं दुनिया मांग रहा हूँ हाय ये अच्छा नेक इंसान है आबिद जाहिद पायस ये दुनिया भी मांगता है हाँ दुनिया मांगते हैं क्यों इसलिए ताकि दुनिया में जलीलो खार ना हो लोगों के हाथों और दुनिया अच्छी होगी तो उससे आखरत भी और अच्छी हो जाए ज़्यादा माल होगा ज्यादा सद का खैरत करेंगे ज़्यादा अच्छी सेहत होगी ज़्यादा इबादत करेंगे ज़्यादा रोज़े रखेंगे ज़्यादा नेकी के काम करेंगे ज्यादा औलाद होगी तो और फिर वो नेक भी होगी तो ज़्यादा सद का जारियाँ होंगे यानी जो चीज़ भी आपकी यहाँ ज्यादा होगी दुनिया की और आप उसको सही से इस्तेमाल करेंगे तो वो उतना ही ज़्यादा आपका आखरत का हिस्सा बढ़ता चला जाएगा लेकिन अगर कोई शख्स ये सारी चीजें सिर्फ दुनिया की खातिर मांगता है तो फिर फिर नुकसान है यानी वो माल जो सिर्फ दुनिया के काम आए वो इज्जत जो सिर्फ दुनिया की हद तक हो ये ये फिर खसारे का सौदा है और अगर इंसान दीन का भी अपनी दीनदारी का भी इजहार करता है लेकिन उसके पीछे भी नीयत खराब है कि उसको इज्जत मिले शोहरत मिले उसका नाम हो उसको लोग पसंद करें लोग उससे मोहब्बत करें इससे आखिरत में भी कुछ नहीं मिलने वाला तो इसलिए इंसान को हसना मांगनी चाहिए और उसमें नीयत फिर आखरत कमाने की होनी चाहिए और यह भी है कि अपनी दुआओं में रगबत और रहबत उम्मीद और खौफ दोनों चीजें शामिल होनी चाहिए जैसे इस दुआ के अंदर है और अब देखिए कि कुरानी दुआएं जो हैं वो बड़ी ही जामे दुआएं हैं और उसमें तमाम मकासद पूरे होते हैं जिनकी इंसान अपनी दुनिया और आखरत की फिक्र करता है हाँ इस इन आयात से ये पता जरूर चलता है कि सिर्फ दुनिया तलब करने की मजम्मत सिर्फ दुनिया मांगना बुरा है क्योंकि दुनिया को आखरत पर तरजीह नहीं देनी चाहिए लेकिन हमारी कमजोरी यही है बल तो सरून अल दुनिया आखिरतु खैर व अबका तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो हालांकि आखिरत कहीं बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है और आखिरत के मुकाबले में दुनिया है भी बहुत क़लील। अगर आपने सिर्फ दुनिया मांगी और बहुत दुनिया भी मिल गई आपको फिर भी बहुत थोड़ी है क्योंकि कुल मता दुनिया खलील वल आखिर तो खैर आखरत तो तकवा के साथ मिलेगी और दुनिया की मत तो जितनी भी मिल जाए वो कम ही है क्योंकि खत्म होने वाली है दुनिया आरजी है और आखिरत हमेशी का घर है और असल जिंदगी आखिरत ही की जिंदगी है वह माहियाब वारखिरतवान लू या और दुनिया की जिंदगी नहीं मगर एक दिल लगी और खेल और बेशक आखिरी घर यकीनन वही असल जिंदगी है यानी दुनिया में सौ साल भी मिल जाए तब भी खत्म हो जाएंगे लेकिन आखिरत में जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी जिंदगी तो वो है जो कल शुरू होगी यकीनन वही असल जिंदगी है लव कानू या लमोन काश वो जानते होते इंसान दुनिया के थोड़े मत पे खुश हो जाता है छोटी सी कोई कामयाबी मिलती है छोटी सी कोई चीज मिल जाती है। आपे से बाहर होने लगता है घमंड करने लगता है लेकिन दुनिया की जो भी चीज है अल्लाह ताला फरमाते हैं वमल दुनिया फिल इल्ला मता। वो थोड़े से सामान के सिवा आखिरत में कुछ भी नहीं यानी दुनिया में जो कुछ कमाया अगर उससे आखिरत नहीं बनाई तो समझे सब सब फिनिश हर चीज खत्म आख़रत को छोड़कर सिर्फ दुनिया को महबूब रखना जो है ये गफलत का सबब बन जाता है गफलत का बायस हो जाता है यानी जो शख्स दुनिया में होते हुए आखिरत नहीं सोचता वो गाफिल शख्स है और जो सिर्फ दुनिया चाहता है उसको आखिरत में कुछ नहीं मिलता व माँ लघु आखिरती मुनखलाक सूरत इसरा फरमाते हैं मन का लहू लहू लिमन जो शख्स इस जल्द मिलने वाली दुनिया का इरादा रखता है हम उसको इसमें जल्दी दे देंगे जो चाहेंगे सब कुछ नहीं जितना हम चाहेंगे और जिसके लिए चाहेंगे सबको भी नहीं देंगे जो भी ये मांग रहे हैं फिर हमने उसके लिए जहन्नम तैयार कर रखी है जिसमें वो दाखिल होगा मुजम्मत किया हुआ दुत्कारा हुआ क्यों क्योंकि उसकी उसकी सारी कोशिशों तलब तड़प मोहब्बत का फोकस सिर्फ दुनिया थी तो दुनियावी गर्ज से अगर कोई शख्स अमल करता है नेक अमल भी चाहे करे लेकिन दुनिया हासिल करने के लिए तो ऐसे शख्स को आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा लेकिन अगर कोई शख्स आखरत को हासिल करने के लिए दुनिया के काम भी करता है तो उसकी दुनिया में से भी आखरत को हिस्सा मिल जाएगा लेकिन महज दुनिया की खातिर नेक अमाल करने वाले आखरत में खसारे में होंगे और इसके लिए वो है मशहूर उम्मे सलमा कहती हैं मैंने नबी अलैहि वसल्लम से कहा हिशाम बिन मुग़ी रहमी करता था मेहमानों की मेजबानी करता था ग़ुलामों को आज़ाद करता था खाना खिलाता था अगर वो इस्लाम का दौर पाता तो मुसलमान भी हो जाता क्या ये अमाल उसको फ़ायदा देंगे आपने फरमाया नहीं वो तो ये सब कुछ दुनिया के लिए देता था ताकि दुनिया में उसका चर्चा हो उसकी शोहरत हो वो दुनिया की तारीफ चाहता था उसने एक दिन भी ये नहीं कहा रब फिरली खती अतिदीन ए मेरे रब बदले के दिन मेरी खताओं को माफ कर देना तो होना क्या चाहिए इस तरह के जितने भी हम काम करें चैरिटी के काम करें लोगों की खिदमत ख्याल रखें साथ ही दिल दिल में दुआ करते रहें और दिल का ध्यान इस तरफ रहे अल्लाह इसका सिला मुझे आखरत में अता करना और इसके बदले मेरे गुनाह माफ़ कर देना यानी सदका करने की एक नीयत क्या होनी चाहिए कि अल्लाह इसके बदले मेरे गुनाह माफ़ हो जाए क्योंकि सदका गुनाहों की आग को ठंडा करता है अल्लाह ताला के गजब को ठंडा करता है तो जो बंदे पे भड़कता है गुनाहों की वजह से रसोल सल्लम ने फरमाया इस उम्मत को अज़मत और रिफत दीन और नुसरत और जमीन में इकतदार की खुशखबरी दे दो यानी ये उम्मत बहुत ऊपर भी जाएगी सो जो उनमें से आखरत का अमल दुनिया के लिए करेगा उसका आखरत में कोई हिस्सा नहीं होगा यानी तुम्हें दुनिया मिलेगी लेकिन ऐसा ना हो कि आखरत वाले अमाल भी दुनिया कमाने के लिए करने लगो सूरत नाजात में आता है तगा व मनतगा अल हयात दुनिया फ इन जहीम ही अल उ जिसने सरकशी की दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी तो जहन्नम उसका ठिकाना होगी दुनिया की तलफ इंसान को बाजगत गुमराही के रास्ते पर ले जाती है यानी इंसान अल्लाह के रास्ते पर नहीं चल सकता जब उसकी दुनिया की ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं और बा वो दुनिया से ऐसी मोहब्बत करने लगता है कि आखरत के बारे में कोई जिक्र भी कर दे तो उसको बुरा लगता है क्या आप हर वक्त मौत की बातें करते हैं जन्नत की बातें करते हैं जानव की बातें करते हैं तो महज दुनिया तलब करने से आखरत का नुकसान हो जाता है दिल टेढ़े होने लगते हैं नीयत खराब होने लगती है ना इंसान की और फिर जो लोग दुनिया से मोहब्बत करते हैं उनके दिल बुजदिल हो जाते हैं वो बुजदिल हो जाते हैं उनको मौत से डर लगने लगता है उनको छोटी छोटी परेशानी छोटे छोटे हादसे उनको ज्यादा कर देते हैं यानी छोटा सा भी कोई नुकसान होता है तो उनके ऊपर पहाड़ बन के गिरता है क्योंकि उनको क्या डर लग जाता है हमारी दुनिया बिगड़ने लगी है लेकिन जिस शख्स को आखिरत का गम लग जाता है ना दुनिया में उसका कोई बड़े से बड़ा भी नुकसान हो तो वो क्या सोचता है दुनिया ही तो है फकीर मताई तो है अगर इस पे सबर के बदले अल्लाह इससे आखिरत में बेहतर दे दे तो मैं स्टिल खसारे में नहीं हूं मेरा कुछ भी नहीं गया का नुकसान हो जान माल किसी भी चीज का हर चीज में मोमिन क्या कहता है इन्ना ला और इन्ना ये चीज गई है हम भी अल्लाह के हैं हमें भी चले जाना है तो वो उसका गम लगा कर नहीं बैठ जाता वो तो गम पालने नहीं लग जाता वो फिर भी उठता है और कुछ करता है क्योंकि उसने भी आगे जाना है सिर्फ जाने वालों के गम में रोते रहना ही अक्लमंदी नहीं क्योंकि हमने भी जाना है वो चले गए अपना कमा के हमें भी कुछ कमाना है तो इस वक्त को इधर उधर जाया नहीं करना फिर इसी तरह यह है कि दुनिया की हकीर चीजों के बंदे नहीं बनना चाहिए रसूल अल्लाह सल सलम ने फरमाया हलाक हुआ दिरहम का बंदा हलाक हुआ दीनार का बंदा हलाक हुआ मुनक्कश चादर का बंदा यानी जेबो जीनत वाले कपड़े का शौक अगर इसे मिल जाए तो राजी ना मिले तो नाराज अल्लाह से भी नाराज बंदों से भी नाराज ये हैं माल के बंदे अल्लाह करे ये हलाक हो जाए सर निगो होकर गिर पड़े अगर इसे कांटा चुभे तो कोई ना निकाले नबी सब ने ऐसे बंदे के लिए बदुआ की इबन अब्बास कहते हैं अल्लाह ने दुनिया को तीन हिस्सों में तकसीम किया है एक हिस्सा मोमिन के लिए एक हिस्सा मुनाफिक के लिए और एक हिस्सा काफिर के लिए वो कहते हैं मोमिन आखिरत के लिए ज्यादा राह लेता है यानी मोमिन दुनिया जितनी दुनिया उसके पास ज्यादा आती है उतनी वो आखिरत की आखिरत बना लेता है मुनाफिक उस दुनिया से दुनिया की जीनत इख्तियार करता है यानी मुनाफिक के पास जब माल और दौलत आता है तो वो क्या सोचने लगता है और ज्यादा घर की डेकोरेशन कैसे कर लू और ज्यादा लिबास महंगा कैसे खरीदू और ज्यादा यानी वो अपने माल का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ दुनिया की जेबो जीनत में ही लगाता चला जाता है और काफिर खूब ऐश करता है बस दुनिया उसके लिए ऐशो वत का मकाम है दुनिया इसलिए कमाता है ताकि दुनिया में ऐश कर सके और आप अपने आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ देखते हैं कि लोग बहुत सा काम बहुत सी मेहनत क्यों करते हैं ताकि एक लग्जोरियस लाइफ गुजार सकें लग्जूरियस लाइफ एक होती है जरूरत की जिंदगी कि अल्लाह ताला मुश्किल से बचा के आसानियत आसानी वाली जिंदगी दे ताकि इंसान अपनी इबादत अपने काम अपने सारा कुछ अच्छे से कर सके और एक है ऐशो इशरत वाली जिंदगी कि ज्यादा काम हो ताकि ज्यादा ऐशो इशरत हो और वजह है कि आप देखें कि ऐसे लोगों का जो आखिर से गाफिल होकर जीते हैं, उनके माल का बड़ा हिस्सा कहां जाता है सोचिए कहां जाता है एंटरटेनमेंट, यानी खाना सिर्फ जरूरत का खाना नहीं बल्कि खाने में ऐसी चीजों का इंतखाब जो सिर्फ एक जबान का टेस्ट हो या एक एंटरटेन करती हो फिर उसके बाद औकात अगर फारग है तो वो किस काम में जाते हैं नहीं पता वोकेशन और वोकेशन में भी ऐसी जगहों का इंतबाब जहाँ ना इंसान अपनी निगाहों की हिफाजत कर सके और ना ही अपने दीन की हिफाजत कर सके और ना अपने और फिर इसी तरह बाकी लिबास और बाकी चीज़ें तो मोमिन दुनिया की ऐशो इशरत के पीछे नहीं होता वो अपने वक्त को कीमती समझता है। वो अगर वोकेशन पर जाता भी है तो गौर व फिक्र के लिए वो ऐसी जगहों का इंतखा करता है कि जहाँ वो जाकर अपने ईमान में और इजाफा करके आए जहाँ वो कुछ नया सीख कर आए यानी या या मोमिन के लिए कहीं वोकेशन पे जाना मना नहीं है या और बल्कि कहा गया सीरू फिल अर्थ जमीन में चलो फिरो देखो कैसे हुआ पिछली कौमों के मुजरमों का अंजाम चलो फिरो अल्लाह की निशानियों पर गौर करो ऐसी ऐसी वोकेशन मना नहीं है क्योंकि उसमें हम किसके लिए हिस्सा ले रहे हैं आखिरत के लिए हिस्सा ले। लेकिन अगर सिर्फ ऐशो इशरत जैसे जो वो लोग जिनके दिल अल्लाह के खौफ से खाली होते हैं वैसे जगहों पर जिना और शराब और हर तरह के हराम काम करने के लिए उनको खुली छुट्टी मिलती है तो इस चीज की पूछ होगी इस पे पकड़ है और एक और बहुत सोचने की बात वो क्या मालिक बिंदार कहते हैं आप दुनिया के लिए जितना गम करेंगे उसी हिसाब से आपके दिल से आखरत की फिकर निकल जाएगी क्योंकि एक दिल है ना आपने उसमें क्या भरना है अगर दुनिया का गम भर लेना है तो आखरत का गम निकल जाएगा जितना जितना दुनिया का गम भरे जा रहे हैं भरे जा रहे हैं आखरत का गम निकले जा रहा निकले जा रहा है और अगर आप आखरत का गम लगा लेंगे तो दुनिया का गम निकलना शुरू हो जाएगा दुनिया के गमों से निबटने का यही तरीका है वरना ये दुनिया अपने हर अच्छे बुरे तरीके से आपको ही करती बहुत सारी नेमतें मिल जाए वो भी गमगीन कर देती हैं कि ये पुरानी हो जाएंगी ये खत्म हो जाएंगी ये उन चीजों को मिलना भी गम औलाद मिल जाती है तो ये थोड़ी होता है कि सिर्फ आप खुश होते हैं जितने खुश होते हैं ना उसे दस से ज्यादा फिक्र करते हैं और गमगीन भी होते हैं इसी तरह माल कोई दुनिया की कोई भी चीज ले है जो घटिया अदना कमतर तो फिर उसकी कोई भी चीज गम रंज फिक्र कांटों से पाक नहीं है यहां हर चीज के साथ मसाइल है तो इसलिए फिर इंसान आखरत का फिक्र लगा ले आखरत का गम लगा ले और जब आखरत के गम होंगे तो इंसान कहेगा ये दुनिया ये चार दिन की बात है है मुश्किल वक्त गुजर जाएगा निकल जाएगा खत्म हो जाएगा दुनिया में ना कोई बीमारी हमेशा रहने वाली है ना कोई मसला हमेशा रहने वाला है ना कोई भूख फ्लास हमेशा रहने वाला है कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं ये सब कुछ मौत के साथ खत्म हो जाएगा लेकिन मौत के बाद कोई मसला पेश आ गया तो आप अकेले हैं भुगतने के लिए वहां कोई साथ नहीं और वो खत्म भी नहीं होने वाला वो फंस गए मुसीबत में एक जनाजा जा रहा था तो आपने फरमाया मुस्तरी हो नस्तरा मुस्तरीह या राहत पाने वाला मुस्तराह जिससे राहत पाई जाए मुस्तरीह मोमिन होता है जो दुनिया के गमों फिक्रों परेशानियों तकलीफों बीमारियों हर सी हर चीज से निजात पाकर अल्लाह की रहमत में डांपा जाता है आगे उसके लिए इस्तकबाल करने वाले उसकी नूरानी शक्लों वाले उसकी जान निकालने वाले उसको रऊन व रैहान उनकी खुशखबरी देने वाले कब्र उसके लिए बहुत वसी बा की तरह और उसके लिए आराम और राहत और नईम और फिर रब की रजा की खुशखबरी जन्नत को दिखा दिया जाएगा मुस्तरी है। दुनिया, दुनिया में नहीं जाना वापस गमों का घर वो दुनिया में रहने को पसंद ही नहीं करेगा हाँ सिवाय एक के जो शहीद होकर आया वो एक दफा भेजे वही लज्जत पाकर कर अल्लाह की राह में जान देने की जो पहले पाई थी बाकी बाकी कोई जो मोमिन वहां जिसको अच्छा इस्तेकबाल मिल गया बस उसकी तो ऐश हो गई अब अब ऐश ही ऐश है फिर क़यामत के दिन उठेगा वहां राहत है अल्लाह ताला से मुलाकात इंतहाई खुशगवार है और फिर उसके बाद हिसाब किताब मीजान पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वो जो हौज कौसर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात है पुल सरात में आंख चपकते की देर में गुजर गए फिर आगे जन्नतें राहतें नेमतें अल्लाह का दीदार क्या कुछ है वो के लिए मुस्तरीह और दूसरा है मुस्तराह वो कौन है जो मरता है तो लोगों को सुकून मिलता है लोगों की जिंदगी आराम में आती है क्योंकि उसने इतना फसाद मचाया हुआ होता है फिरौन की तरह दुनिया में कि जब ऐसे फिरौन दुनिया से जाते हैं ऐसे फसादी लोग दुनिया से जाते हैं ऐसे फसादी लोग घर से निकलते हैं तो घर वाले शुक्र करते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है तूने तो उठा लिया इस बंदी बंदे को हमारी जान आसान हो गई ऐसे ना बने कि लोग आपके मरने की दुआएं करने लगे लोगों के फायदे के बने लोगों के काम के बने कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी घर वालों ने हराम की हुई होती और बात सिर्फ एक खातून या एक मर्द की वजह से वो जिंदगी हराम अब्यूसिव हजब यानी कोई काम सीधा नहीं कोई बात सीधी नहीं हर बात पे गालियां गलोच मार कुटाई लड़ाई झगड़े अब यकीन करें इस वक्त रोजे से हूँ यानी शायद ही कोई दिन या फिर शायद ही कोई यानि मोहलत ऐसी यानी वक्त वीक ऐसा जाता है कि जिसमें इस किस्म की बातें ना सुनने को मिले कि जिसमें खवातीन अपने हसबेंड्स की बुराइयां और उनकी तकलीफें या सास की बुराइयां या किसी और की यानी लोगों ने लोगों को ही दुखी और परेशान करके रखा हुआ है लोगों ने लोगों की जिंदगी हराम की हुई है घर में लड़ाइया बच्चों की तरफ से परेशानियां लगता है कि कोई घर खाली नहीं है इससे लोगों को आखिरत भूल गई है इसीलिए वो अपनी जबान से तो दूसरों को तकलीफ देते हैं इसीलिए वो दूसरों के ऊपर जुल्म डालते हैं इसीलिए बदतमीजी और बदखलाकी करते हैं कि कोई उनको पूछने वाला नहीं है अगर उन्हें अल्लाह का डर हो अल्लाह का तकवा हो उन्हें फिक्र हो कि कबर में भी जाना है रिश्ते ने जान लेने भी आना है और ऐसा बेबस होकर पड़ा होगा कि कोई भी मदद नहीं करेगा तो रह जाएगा ये सारा दुनिया का साजो का सिर्फ माल के पीछे झगड़े हैं बहन भाई खून के रिश्ते आपस में कटे हुए और एक दूसरे पर मुकदमे कर रहे हैं एक दूसरे से लड़ाइया कर रहे हैं यानी हद ही हो गई है फितने फसाद की कि आप जिधर नजर उठा के देखते हैं जिस बंदे के पास बैठते हैं वहीं कोई ना कोई ऐसे जुल्म की दास्ताने हैं हम किधर को जा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं हमें अपनी आखरत भूली हुई है इसलिए ये सब कुछ है छोटे से दुनिया के हकीर के लिए आपस की लड़ाइयां हो रही हैं तो बहरहाल जो दुनिया का गम लगाता है वो आखरत से गाफिल हो जाता है और जो आखरत का गम लगाता है वो दुनिया के गम से आजाद हो जाता है और खास तौर पर जो ही मौत आती है इसलिए मोमिन जो है वो मौत की तैयारी करता है फिकर करता है कि वहां परेशानी ना हो लेकिन उसको एक पल खुशी भी अंदर से होती है कि जाने से फायदा ही है अगर अल्लाह ताला ले जाता है लेकिन जो दुनिया से मोहब्बत करता है उसको दुनिया छोड़ने का भी बड़ा काम है कि मैं दुनिया छोड़ आया वो जिसको मैंने दिन रात कमाया जि... वो मेरे कारोबार वो मेरे बिजनेस वो मेरी जॉब है वो मेरे माल वो मेरा बैंक बैलेंस वो किधर गया सब कुछ यानी एक वो शख्स है जिसको डॉक्टर कहते हैं बस आपके पास दो महीने हैं और उसने अपनी आखिरत के लिए तैयारी की होती है तो वो सुकून से उन दो माह को गुजारता है अल्लाह का जिक्र करते अल्लाह का याद करते हुए और एक वो शख्स है जिसने सिर्फ दुनिया में अपना सब कुछ लगाया होता है जब उसको वो मौत की खुशखबरी कोई दे देता है कि अब तो आपके पास गिने चुने दिन है तो उसको ये गम फिर भी कम होता है कि आगे क्या होना है मेरे साथ उसको फिर ये गम होता है कि मेरे पीछे इस माल का क्या होगा हाय अफसोस मैं इससे फ़ायदा ना उठा सका जिसके लिए मैंने चोरी की डाके डाले गज़ब लोगों के माल गसब किए हराम खाया और जु, जु, जुल्म और ज्यादी के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी तो इसलिए अभी वक्त और मोहलत है हमारे पास हम अपने रवैयों को ठीक कर लें हम सब्र से काम लें हम अपने अखलाक को अच्छा कर लें और हम अपनी आखिरत को किसी कीमत पर न जाने दें जो हमारा हिस्सा नहीं बनता जो हमारा माल नहीं उसके ऊपर हम नजर ही ना रखें जुल्म और ज्यादा के साथ किसी का माल हथियाने की कोशिश ना करें झूठ बोलकर किसी से कुछ हासिल ना करें और अगर सच बोलकर अपना भी कुछ जाता है तो जो रिस्क आपकी किस्मत में है वो आपके पास आएगा मोमिन उस वक्त तक मोमिन का ये यकीन होता है कि मौत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मैं अपना रिस्क पूरा नहीं कर लूं तो बहरहाल हमें ये दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह दुनिया में भी अच्छा दे आखिरत में भी अच्छा दे दोनों जगह हमारी भलाई हो लेकिन आखिरत मकसद अव्वल और दुनिया मकसद सानी हो यानी तरतीब ये हो यानी अल्लाह की रज़ा आखरत का सबाब और उसके साथ साथ दुनिया में भी एक अच्छी इज्जत वाली ज़िंदगी हो आराम वाली ज़िंदगी हो कि जिसमें इंसान को फायदा हो अब ये जो हसना है ना तो बाज़ात हम समझते हैं कि हसना से मुराद सिर्फ नियमतों का मिलना है ना हाँ उसके साथ अल्लाह की इतात की तोीक होना ये बहुत बड़ी हसना है मसलन आप अपने वाले की खिदमत गुजार हैं उनके फर्मा बरदार हैं आप अपने घर में एक अमन सुकून कायम किए हुए हैं आप अपने शोहर के मददगार हैं आप अपने बच्चों की खिदमत करते हैं और खुश दिली से याद रखे ये काम सबको करने पड़ते हैं किसी ना किसी दर्जे में थोड़ा या ज्यादा लेकिन एक वो है जो खुशी से करता है अजर की नीयत से करता है और एक वो है जो मारे बंधे करता है और कर करके जाया करता है काम करके थक गए चार सुनाई इसको चार सुनाई उसको सब जाया कोई फायदा ना हुआ तो ये हसना क्या है कि आपको अखलाक हंसना नसीब हो जब हम मानते हैं रब बना आते ना फिर दुनिया हंसना सारी भुलाई अच्छा अच्छा अखलाक दे अल्लाह ताकि हम थके भी तो तेरी खातिर सब्र करें हमें कोई तकलीफ पहुंचे तो तेरी खातिर सब्र करें फौरन चनक के जवाब ना दे एक यानी बाज लोग होते हैं इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं करते जरा सी बात बर्दाश्त नहीं करते किसी ने जरा सा कुछ कह दिया फौरन पलट के जवाब और ऐसा जवाब के पहले से भी ज्यादा दूसरे का दिल जला दिया तो so, इन आदतों पर भी काबू पाने की जरूरत है क्योंकि यहीं से आग आप देखिये आग की जो तीली होती है माचिस यहाँ तो कम ही होती है लेकिन माचिस जो होती है वो कितनी छोटी सी होती है लेकिन कितने बड़े बड़े फसाद कर जाती है बाजुकात इंसान के मुंह से निकली हुई छोटी सी बात होती है लेकिन ऐसी आग लगाती है दूसरों को कि हर चीज ही जल के रह जाती है घर बर्बाद हो जाते हैं तलाकें हो जाती हैं घर टूट जाते हैं ऐसी ही छोटी सी तीली लगाने से तो अगर अल्लाह ने आपको बोलने की ताकत दी है तो उसको सही से इस्तेमाल करें और फिर आप देखिए कि जब इंसान अपनी आखिरत की फिक्र करता है ना तो उसकी दुनिया खुद ही संवरने लगती है जो अल्लाह की रजा चाहता है फिर वो उसके हालात दुरुस्त होने लगते हैं क्योंकि वो अल्लाह के लिए सबर कर लेगा वो अल्लाह के लिए किसी की मदद कर देगा वो अल्लाह के लिए हर काम करने को तैयार हो जाएगा और जो खैर बांटता है खैर पलट पलट के उसकी तरफ आती है तो आप देखिए अगर इंसान अल्लाह की रजा के लिए और आखरत की कामयाबी के लिए मसलन दुनिया में इबादत करता है इस्तवार करता है कि उसके गुनाह माफ हो जाए तो उसके बदले में दुनिया में भी भलाई मिलेगी दुनिया का रिस्क भी मिलेगा औलाद भी मिलेगी और बाकी चीजें भी पाएगा और अगर कोई दीन को छोड़कर सिर्फ मादी नेमतों को दुनिया समझता है तो वो सारी चीजें हसना में नहीं आती यानी फिर वो मिली आपको तो आपके लिए शर भी हो सकती इल्ला ये क्या वो खैर के कामों में लगे यानी मसला अगर आप सिर्फ इस्तवाल करते हैं दुनिया हासिल करने के लिए और आखिरत का को कोई इरादा नहीं तो हो सकता कुछ दुनिया मिल जाए आपको कि आपकी गुनाह माफ हो दुनिया मिल गई लेकिन आगे वाली चीज कहाँ गई तो चाहे इस्तिगफार करने वाले कोई भी काम करने वाले हों तो लाजमन उसके नताइज को जरूर देखें जो अल्लाह ताला ने हमें बताए हैं तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि जब दुनिया की भलाइया मांगें तो दुनिया में यानी दुनियावी अगराज गालिब नहीं होने चाहिए इमाम गजाली कहते हैं अगर इंसान की नीयत में दुनियावी मकसद गालिब है यानी किसी भी काम के लिए तो उसका कोई अजर नहीं होगा आखिरत में और अगर दीनी मकसद गालिब है तो उसी हिसाब से उसको अजर मिलेगा जितनी जितनी नीयत थी उसकी है अल्लाह से पाने की यानी इबादत में जैसे रोज़ा है सिर्फ इसलिए नहीं रखे कि सेहत अच्छी हो जाएगी रोजे रख लेते हैं ना। नमाज है इसलिए नहीं कि अच्छा दो त्राविया खड़े होकर पढ़ती हूँ तो ज्यादा कैलोरीज़ कैलोरी ये नहीं दिल में होना चाहिए अगर ख्याल आ भी गया तो फौरन झटके और कहे नहीं तो अगर, अगर अल्लाह की इबादत और एता में अल्लाह की रजा हासिल करने का गलबा है यानी वो अजर पाने का ज्यादा है तो तो ही अजर मिलेगा वरना वरना जाहिर मसलाज के लिए इजाजत है कि वहां पर बिजनेस भी कर ले अन फदला मिर लेकु हज के लिए जा रहे हो अगर कोई कुछ खरीदो फरोख्त करनी है तो कर सकते हो ऐसा मना नहीं है नबाज लोग बाजार जाने को इंतहाई कंडेम करते हैं ऐसा नहीं है आप जा सकते आपकी हिम्मत है तो आप जाए आपको वक्त मिला तो आप जाए आप अगर कुछ खरीदते हैं कुछ यहाँ से ले जाते हैं सेल करने के लिए सेल करके कुछ नफा कमा के उससे कुछ अपने खर्च पूरे करते कोई मना नहीं लेकिन अगर आप जाते ही सिर्फ इस नीयत के लिए है आप कहते हैं मुझे अपना बिजनेस करना है और मैं हज भी कर लूंगा तो ये नहीं होना चाहिए ठीक है ना यानी इबादत के जो दुनियावी फायदे हैं वो हमारा मकसद अव्वल नहीं होना चाहिए वो मकसद सानी होना चाहिए ईमान वालों के लिए तो हर अमल के नतीजे में दुनिया और आखिरत दोनों की खैर आती है ईमान वालों को यह फायदा नसीब होता है वकील आहसन फ़ी हाज दुनिया हसनाधीनाहसनु फी हाज दुनिया हसना वारखिरत खैर वारत्तिन जो लोग तकवा इख्तियार करते हैं जिन्होंने तकवा अख्तियार किया उनसे कहा गया तुम्हारे रब ने क्या नाजिल फरमाया तो उन्होंने कहा बेहतरीन बात उन लोगों के लिए जिन्होंने भलाई की इस दुनिया में बड़ी भलाई है और आखिरत का घर बहुत बेहतर है और यकीन तकवा वालों का तकवा वालों के लिए अच्छा घर है यानी आखिरत का घर अल्लाह के दोस्तों के लिए दुनिया और आखिरत दोनों की खुशखबरियाँ होती हैं अला अलिया अल्लामून सुनो अल्लाह के दोस्तों को ना कुछ खौफ होगा ना गमगीन होंगे कौन है अल्लाह के दोस्त अल्लाजी नमनु वक़ानू या तक वो जो ईमान लाए और वो तकवा करते हैं लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया उनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी खुशखबरी है वफिल आखिर आखिरत में भी खुशखबरियाँ हैं ला तब दीलामातः अल्लाह अल्लाह की बातें नहीं बदलती अल्लाह की बातें बिल्कुल सच्ची हैं जालि फौज़ुल अज़ीम ये है अजीम शान कामयाबी ये सबसे बड़ी कामयाबी और यह मोमिन को ही मिलती है क्योंकि मोमिन के लिए दुनिया की नियमतें हराम थोड़ी हैं कुल मन हर हरत अल्लाह अखरजादी दुनिया अल्लाह की वो जीनत जो उसने अपने बंदों के लिए पैदा की और रिस्क में से पाकिजा चीजें किसने हराम की कह दीजिए ये चीजें दुनिया की जिंदगी में उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और क्यामत के दिन भी खालिशत उनके लिए होगी और फिर आप देखें कि जब ये दोनों दुआएं आप मांगते हैं तो अल्लाह ताला दोनों ही कबूल करता है जाबिर कहते हैं रजी अल्लाह मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना आप फरमाते थे रात में एक घड़ी ऐसी है जो मुसलमान बंदा उसको पा लेता है उसमें वो दुनिया और आखरत की किसी भी खैर का सवाल करता है अल्लाह तला वो भलाई उसको जरूर अता कर देता है इसलिए रात को जब साइड बदले कुछ ना कुछ मांग लिया करें क्या पता यही वो घड़ी हो तहज के लिए उठे फिर दुआएं मांगे यानी अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखकर दुनिया और आखिरत दोनों ही फिर इसी तरह आप देखें कि किसी को दुनिया दुनिया की दुआ देना मना नहीं खाली दुनिया की दुआ देना मना नहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप इस तरह दुआ दिया करें अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइया अता करें और ये इसी दुआ का तर्जमा लेकिन जब आप दुनिया की भी भलाई की किसी को दुआ देना तो उसका मकसद यही हो कि ये नियमते इसको जो मिले इससे ही अपनी आखिरत कमा ले टूल्स हैं आखिरत के लिए हजरत अनस कहते हैं नबी वसल्लम हमारे यहाँ तशरीफ लाए वहां मेरे मेरी वालदा और मेरी खाला उम हराम के सिवा कोई नहीं था यानी दो मर दो औरतें वसल्लम और हजरतनस और, और दो खाला अम्मी और खाला आपने मैं खड़े हो जाओ मैं तुम्हें नमाज पढ़ाऊँ फर्ज नमाज के वक्त बग, फर्ज नमाज के वक्त के अलावा की नमाज थी नफल नमाज से तो आपने जमात से नमाज पढ़ाई होती जैसे आज हम तराबी पढ़ते हैं और कुछ लोग जमात मस्जिद में पढ़ के आ जाते हैं घर और फिर घर तराबी पढ़ लेते हैं ऐसा भी किया जा सकता है फिर तो आप सल्लाह वसम ने हमारे सब घर वालों के लिए दुनिया और आखरत की तमाम भलाइयों की दुआ की ये आपकी सन्नत आपका तरीका है ना किसी के घर जाए तो उस घर में आप इस तरह नमाज भी पढ़ सकते हैं और घर वालों को दुआ भी दे सकते हैं उसके बाद मेरी माँ कहने लगी अल्लाह के रसूल सल्ला वल्म यह आपका छोटा सा खिदमत गुजार है इसके लिए खसूसी दुआ करें इन हजरत तो आपने मेरे लिए हर भलाई की दुआ की मेरे लिए आपने जो दुआ की उसके आखिर में ये था अल्लाहू व बारिक लु फी इसका माल और इसकी औलाद ज्यादा कर और इसके लिए उनमें बरकत डाल दे यानी आखिर में दुआ का ये सिर्फ दुनिया के ये दो तीन चीजें मांगी तो ये दुआ देने का तरीका भी आना चाहिए यानी दूसरों को हम सबसे बेहतरीन तोहफा जो दे सकते हैं वो दुआ का तोहफा है और दिल से देनी चाहिए सिर्फ तकल्लुफन और रस्मन नहीं होनी चाहिए और फिर ये दुनिया और आखिरत की हर भलाई की दुआ करनी चाहिए और इसके अलावा कोई खास दुआ आप किसी को देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं अब दुनिया की भलाई में क्या क्या चीजें शामिल हैं खास तौर पर पहले कुछ इसका जिक्र तो हो चुका है जमाली तौर पर लेकिन अब टू चंद बातें करूंगी सबसे पहले यह कि सबसे बड़ी दौलत और नेमत दुनिया में इस्लाम है दीन है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ये दौलत अदा की है हमें मुसलमान पैदा किया हमें दीन दिया उसके लिए हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें दीन का नफा मंद फरमाए ये सबसे बड़ी दौलत है ईमान के बाद जो दौलत मांगनी चाहिए वो रबी जिदनी इल्मा है ये मिल गया आपको आपके इल्म में इजाफा होता गया तो नतीजा क्या होगा आपके ने कामाल ज्यादा होते जाएंगे इम सरमाए की तरह है जितना माल ज्यादा होगा ना उतना आप ज्यादा खरीद सकते हैं कोई चीज जितना ज़्यादा होगा उतनी आपको नेकियां करने के ज्यादा तरीके पता चल जाएंगे कि क्या क्या करना है इसलिए इल्म हासिल करने के हरीस होना चाहिए और इल्म की मजालिस का हरीस होना चाहिए ये दुनिया की बहुत बड़ी हसना है बहुत बड़ी भलाई है जिसको ये नसीब हो जाए कि उसको अल्लाह तला मौका दे दे वक्त दे दे तोीक दे दे कि तो वह इल के मजलिस में हाजिर हो जाए और वहां से कुछ लेके उठे कोई खजाना पा के जाए और उस पर फिर अमल भी करे इसके बाद सबसे बड़ी दौलत नेक अमाल की तौफीक मिलना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेक अमल करो हर शख्स को उन अमाल की तौफीक दी जाती है जिनके लिए वो पैदा किया गया जो शख्स नेक होगा उसे नेक नेकों के अमल की तौफीक मिली होती है और जो बदब्त होता है उसे बदब्तों के अमल की तौफीक मिली होती है अब देखे बहुत से लोग इल्म रखते हैं मगर अमल कोई नहीं करते बातें बहुत करते हैं लेकिन जब अमल का वक्त आता है उन्हें समझ ही नहीं आती उन्होंने क्या करना है तो इसलिए हमत मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें राइट टाइम पर राइट डिसीजन करने का पाया तौफीक अता कर कि किस वक्त करना क्या है हमें अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करने की तौफीक दे क्योंकि बासूक़त हमारे घर के सामने दरिया बह रहा होता है और हम प्यासे बैठे होते हैं क्योंकि हमें तौफीक नहीं होती हमें समझ नहीं आ रही होती कि ये भी खजाना है फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत भी तिलावत की फ़अम्मा मन आता वत्तका वसद्दक बिल हुस्ना फसनुयस्सिरहु लिल फिर ये है कि इंसान नेक अमल नेक यानी अच्छे इल्म पर अमल के साथ साथ तौफीक मांगने के साथ साथ हर काम में अल्लाह की मर्जी को तलाश करें उसके मुताबिक जिंदगी बसर करें फरमाया अफ अमन तबा अरिदवान अल्लाह ही कमम बा अब सखतमिन वाह जहन्नम वबिसल मसीर हम दराजात इन दल्लाह वल्लाहु बसीर बे माया मनून अल इमरान वन और थ्री क्या वो शख्स जो अल्लाह की रजा के पीछे चला उस शख्स जैसा है जिस जो अल्लाह की तरफ से कोई नाराजगी लेकर लौटा जिसका ठिकाना जहन्नम है और वो बुरा ठिकाना है ये लोग अल्लाह के नजदीक मुख्तलिफ दर्जात में है और अल्लाह खूब देखने वाला है जो वो कर रहे हैं। फिर नेमतों को सही इस्तेमाल करने की तौफीक मांगना कि अल्लाह जो तूने दिया है इसको मुझे अच्छी तरह बरतना भी नसीब फरमा कि कि कुछ लोगों के पास बहुत कुछ होता है उन्हें समझ ही नहीं आती वो कहा खर्च करें वो इधर उधर फेंकते रहते हैं फजूल चीजों पर खर्च करते रहते हैं घर में बेकार की चीजें खरीद कर ले आते हैं जिसे कोई इस्तेमाल नहीं करता रद्दी की टोकरी में जाती है या ऐसी जगह पर जहां कोई भी उनका खरीदार नहीं होता तो तो मतलब क्या है मतलब ये कि फिर समझ नहीं है ना अक्ल नहीं है तो नेमतों को सही इस्तेमाल करने की तोफीक मिलना भी हसन है तंदुरुस्ती वक्त वक्त का सही इस्तेमाल का सही इस्तेमाल सिर्फ टिकटॉक पर ही नहीं बैठे टिकट एक के बाद एक चीज देखते रहे एंजॉय करते रहे सिर्फ सियासत के ऊपर ही बातें ना करते रहे अफसोस ये आजकल अच्छे भले अक्लमंद मुसलमान जो कुरान पढ़े हुए हैं दीन जानते हैं वो रमज़ान की रहमतों और बरकतों से फायदा उठाने की बजाय अपनी अपनी शख्सियत परस्ती में मुबतला होकर अपनी अपनी शख्सियतों के तराने पढ़ रहे हैं ये मुखालफों पर सच्चे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं क्या कमा रहे हैं सोचो क्या कमा रहे हो आपकी इन बातों से क्या आपकी तकदीर बदल जाएगी क्या बनेगा आपका किस कदर खसारे में है हम ये लम्हात ये घड़िया कोई हमें हमने गारंटी ले रखी है कि अगले साल हमें मिलेंगी खबरों पे खबरें तबसरों पे तबसरे बातों पे बातें नतीजा क्या है आज से एक साल पहले आज के दिन जो खबरें थी मशहूर कुछ याद है आपको कुछ भी याद नहीं उसका आपकी जिंदगी पे क्या असर पड़ा और अगर पड़ा भी अगर कोविड की खबरें थी कोई और पड़ा भी तो आप निबट रहे हैं ना, अकेले। किसी और को क्या उससे? तो शख्सियतों पर बातें करने और तबसरे करने से मुकम्मल परहेज करें इल्जाम तराशी और कॉन्स्पिरसी और ये और वो और इन सब बातों से वो जबान बंद कर हमें कुछ हकैक का नहीं पता होता इस दुनिया में बहुत कुछ झूठ और मलमा साजी है इसलिए खामोशी बेहतर है मन समाता न जा खामोश रहा निजात पा गया आपकी एक बात जो आपने सोशल मीडिया पे गलत कही और उसको हजार लोगों ने आगे फैला दिया तो क्या होगा क्यामत के दिन कैसी पकड़ होगी कि वो हजार लोगों का भी देन आपको पड़ जाएगा तो इसलिए जो करने का काम है उसकी तरफ तवज्जो करें। फिर इसी तरह बदन में आफियत मांगना नेक बीवी और अच्छा पड़ोसी मांगना अच्छी सवारी और कुशादा घर मिलना यह भी इंसान की सादतमंदी मंदी की अलामत यह दुआ करने में अल्लाह मुझे अच्छी गाड़ी दे इससे बेहतर दे इससे अच्छा घर दे कि जो मेरे लिए ज्यादा बेहतर हो तेरे दीन के काम के लिए फिर इसी तरह जो मिला है उस पर कनात करना उस पर कनात कंटेंटमेंट ये आफियत यह चीज इंसान के लिए भलाई की है फिर सब्र शुक्र करने वाला दिल और जिक्र करने वाली ज़बान मांगना माल को अच्छे कामों में खर्च करने की तोफीक मांगना जब भी माल आए ना एक एक आदत बना तो ले जब कुछ आपके पास आए फौरन नियत अल्लाह देख दुआ के अल्लाह इसे बेहतरीन जगह लगवाना बेहतरीन जगह इस्तेमाल करूं जो तुझे राजी कर दे तो आप देखेंगे अल्लाह ताला आपको ऐसे ऐसे रास्ते दिखाएगा आप हैरान हो जाएंगे फिर अपने माल असबाब को आखरत के इस्तेमाल की तौफीक मांगना दुनिया को उसके जायज हक में इस्तेमाल करने की तौफीक मांगना और दुनिया की जिंदगी से आखरत कमाने वाला बनना फिर मौत के आखरत की भलाई में क्या है मौत के वक्त आसानी मांगना या अल्लाह मौत की सख्तियां आसान कर देना फिर मौत के वक्त की खुशखबरियां मिलना कबर कुशादा होना कबर की नेमतें मिलना हशर का दिन आसान होना ला يحزنهم الفزع फजाकबर ऐसे लोग भी होंगे जो उस बड़ी घबराहट के दिन बिल्कुल घबराहट में नहीं होंगे अमन चैन में होंगे हशर के दिन माफी का परवाना मिल जाना तुम्हें माफ कर दिया गया जाओ जन्नत में हौज कौसर का पानी मिल जाना अर्श का साया मिलना नामा या अमाल दाएं हाथ में मिलना पुलसरा तेजी से उबूर करने की तौफीक मिल जाना जन्नत में दाखला और जहन्नम से बचाव मिल जाना जन्नत में रब का दीदार नसीब होना क्योंकि अहले जन्नत को अल्लाह के दीदार से ज्यादा कोई चीज अजीज नहीं होगी सब नेमतें भूल जाएंगे जब वो अल्लाह को देखे अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल कर ले ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمر روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وأن يميني وأن شمالي وأعوذ بعظمتك أن أغطى من تحتي اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلا في الجنة اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وظاهره وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلا من الجنه امين. اللهم اني اسالك خير ما اتي وخير ما افعل وخير ما اعمل وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلا من الجنه امين. اللهم اني اسالك ان ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح امري وتطهر قلبي. وتحسن فرجي وتنبر قلبي وتغفر لي ذنبي واسالك الدرجات العلى من الجنه امين اللهم اني اسالك ان تبارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي, خلقي وفي اهلي وفي محياي وفي مماتي وفي محياي وفي مماتي وفي املي فتقبل حسناتي واسالك الدرجات الاولى من الجنه امين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التباب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ويا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد